नमस्कार, मसाला महक में आपका स्वागत है। मैं आज ओल सूरन इसको बोलते हैं सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैं हाथ में थोड़ा सरसों का तेल लगा ली हूँ और इसको मैं पीसेस में काट लूँगी, पतला पतला पीस बना लूँगी और फिर उसको अच्छे से छील लूँगी। तो ये सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट लगता है। आप एक बार बना के देखें मेरे तरीके से, तो आप नॉनवेज खाना भूल जाएंगे, रोटी चावल दोनों के साथ खा सकते हैं। ये देखिए, इसको मैं छील ली हूँ और छील के काट ली हूँ और अच्छे से वॉश कर ली हूँ दो पानी से। कुछ देर के लिए मैं इसमें नींबू का रस निचोड़ के दे दी हूँ और हाफ चम्मच नमक, और एक घंटे के लिए छोड़ दी उसको। इधर मैं लहसुन 10-12 कलियाँ लहसुन और अदरक है एक गांठ, 1.5-2 इंच के बराबर, और उसको मैं नमक डाल के कूट लूँगी। नमक डालने से ये उछलता नहीं है, फैलता नहीं है लहसुन अदरक। तो जब भी कूटे नमक डाल के, तो उसको मैं दरदरा कूट लूँगी। ये मेरा लहसुन अदरक अच्छे से कूट गया है। तो इधर कढ़ाई चढ़ाई हूँ गैस पे, कढ़ाई मेरा गरम हो गया, तो इसमें 2 बड़ा चम्मच तेल डाल ली हूँ। और ये इसको मैं सूरन को ओल को मैं भून लूँगी लाल होने तक, कलर चेंज हो जाएगा। तो कलर चेंज हो गया तो मैं इसको निकाल ली हूँ देखिए। और फिर मैं उसी कढ़ाई में जीरा डाल दी हूँ 1/2 चम्मच, ये हींग भी डाल दी हूँ, हींग भी मेरा चटक गया, तो मैं तेज़पात डाल दी हूँ 2। फिर प्याज, 4 बड़े प्याज को मैं चॉप कर ली हूँ, फिर इसको भी मैं भून लूँगी। नमक डाल दी हूँ ताकि अच्छे से गल जाए प्याज, स्वाद के अनुसार 1 चम्मच। और मेरा प्याज भून गया तो मैं ये कूटा हुआ अदरक और लहसुन डाल दी हूँ, उसको भी मैं भून लूँगी 1 से 1.5 मिनट तक, ताकि लहसुन का कच्चापन चला जाए। ये लहसुन है थोड़ा और कश्मीरी लाल मिर्च और अदरक भी है, तो मैं ये भी डाल दी हूँ साथ में, दोनों भुन जाएगा एक ही साथ। तो मेरा भुन गया प्याज लहसुन अदरक, तो मैं ये टमाटर डाल ली हूँ, 2 टमाटर ली थी उसको भी मैं काट ली हूँ महीन। ये धनिया भर के 1 चम्मच और ये जीरा भी 1 चम्मच और हल्दी डाल दी हूँ। और फिर मैं इसको वही जिसमें कूटी थी मैं उसमें थोड़ा पानी डाल के डाल दी, नहीं तो मसाला जल जाएगा। तो मेरा मसाला भुन रहा है, ये कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए 1 चम्मच, ये दही है, दही में मैं थोड़ा मिर्च डाल दी थी, तो ये दही डाल दी हूँ अच्छे से फेट करके। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और फिर मसाला मेरा भुन रहा है तो मैं ओल भी डाल दी उसी समय, सूरन डाल दी ताकि मसाले का फ्लेवर सूरन में चले जाए। और ये धनिया की पत्ती डाल के मैं कवर कर दी हूँ और फ्लेम को मैं लो कर दी हूँ, 5 मिनट के लिए छोड़ दी। तो देखिए कितना अच्छा से मसाला मेरा भुन गया। तो मैं कुकर में डाल रही हूँ, आप कढ़ाई में भी पका सकते हैं लेकिन कढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं कुकर में डाल दी, 2 सीटी आने तक मैं पका लूँगी। पानी भी आप अपने हिसाब से रखें, गाढ़ी सब्ज़ी खानी है तो कम पानी डालें। तो ये घर का बना हुआ गरम मसाला है, ये कसूरी मेथी 1 चम्मच डाल के मैं 2 सीटी आने तक पका लूँगी। तो मेरा 2 सीटी आ गया कुकर में, तो मैं ये कुकर खोल दी हूँ, देखिए सब्ज़ी मेरा बन के रेडी हो गया है।
और ये ऊपर से धनिया की पत्ती और ये थोड़ा नींबू, ताकि ये सूरन गले में ना लगे। नींबू डालने से गले में नहीं लगता है। नींबू, दही और टमाटर भी डाली हूँ। देखिए अच्छे से पक गया है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले। फ्रेंड्स, आप अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। देखिए मेरा लाजवाब सब्जी बन के तैयार हो गया है। आप भी बनाएं और चावल या रोटी के साथ खाएं। धन्यवाद।